नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टेक्निकल क्वेश्चंस के बारे में, तो चलिए इनको जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी फीट आर देयर इन 10 गज। अब जो गज के अंदर कितने फीट होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। अगर अप्रोक्सीमेटली बात करें, 1 गज के अंदर 3 फीट होते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है अप्रोक्सीमेटली। इसी तरह से 10 गज के अंदर कितने होंगे, लगभग ये होंगे 30 फीट के बराबर। लेकिन अगर बिल्कुल इसकी एग्जैक्ट वैल्यू को देखा जाए तो वो कितनी होती है, 29.85। अगर 10 गज की बात करें, यानी कि अगर 1 गज की बात करें तो वो कितनी होगी हमारे पास, लगभग 2.98 के बराबर होता है। पूरा 3 नहीं होता, जैसे हमने यहाँ 3 लिखा है, तो ये लगभग 2.98 के बराबर होता है 1 गज जो है फीट के अंदर। और अगर 10 गज की बात करेंगे तो ये हमारा 29.85 के बराबर होगा। तो ये पूरी वैल्यू है, और हम लेकिन कह देते हैं कि जो 1 गज है वो लगभग 3 फीट के बराबर होता है, लगभग उतने के ही बराबर है, लेकिन पूरी जो एग्जैक्ट वैल्यू है ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में, 1 मील जो है उसके अंदर कितने किलोमीटर होते हैं। जैसे हमने किलोमीटर के बारे में पता ही है हमें कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर इस तरह से हम चलते हैं, रास्तों पर हमें लिखा हुआ भी दिखता है कि कितने किलोमीटर जो है कोई प्लेस है, लेकिन 1 मील क्या होता है, वो कितने किलोमीटर के बराबर होता है। तो 1 मील जो होता है वो किलोमीटर से थोड़ा बड़ा होता है, यानी कि 1.6093, या कह लें 1.6 अगर आप इतनी ही बात करें तो इतना जो है 1 मील जो है किलोमीटर से बड़ा होता है। तो 1 मील के अंदर कितने किलोमीटर होंगे, 1.6, या कहें कि जैसे ये 1 है, 1 से ज्यादा अगर देखें लगभग आधा किलोमीटर और बड़ा होता है जो मील होता है। तो 1.6 जो किलोमीटर होते हैं 1 मील के अंदर होते हैं लगभग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, कन्वर्ट 100 डिग्री सेल्सियस टू फारेनहाइट। अब इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, पिछली वीडियो में भी हमने देखा था इन क्वेश्चंस को जब हम समझ रहे थे। तो फारेनहाइट के लिए अगर हम फॉर्मूला देखें तो वो होगा हमारा सी इंटू 9/5, यही होता है ब्रैकेट में, और प्लस क्या करते हैं यहाँ 32। अब यहाँ पर अगर हम सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से अगर हम सेल्सियस को निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 32 इस तरफ आ जाएगा, यानी कि F-32 हो जाएगा, और ये जो 5/9 है उस तरफ चला जाएगा, इंटू यहाँ पे हो जाएगा 5/9। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस कितने फारेनहाइट के बराबर होगा, 212 फारेनहाइट के बराबर होगा। तो ये फॉर्मूलेज हैं, इनको हम यूज करके डिग्री को फारेनहाइट में, जो डिग्री सेल्सियस उसको फारेनहाइट में और फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी हमें दिया है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, कन्वर्ट 360 डिग्री इंटू रेडियंस। तो जब भी हमें डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, अब ये चीज याद रखनी है, जो 1 डिग्री होती है वो पाई बाय 180 रेडियन के बराबर होती है। अब यहाँ पर क्या है, 360 डिग्री, कितना भी डिग्री आपको दिया हो सकता है, तो यहाँ पर जो 360 डिग्री होगा वो क्या होगा, पाई बाय 180 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 360 डिग्री से। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा 6.283, यानी कि 360 डिग्री जो है 6.283 रेडियन के बराबर होगा, रेडियंस के अंदर अगर हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्टील रूल। अब आपने स्टील रूल देखा होगा, आप जब मेजरमेंट करते हैं एक स्केल होता है, स्टील का स्केल होता है, वर्कशॉप में आपने देखा होगा, और इस तरह की इसके ऊपर मार्किंग की होती है। तो इसका लीस्ट काउंट क्या है, लीस्ट यानी कि सबसे कम ये कितना माप सकता है। आपने देखा होगा जो ये गैप है, इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला गैप यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट गैप कितना होगा, तो ये कितना होता है हमारे पास, एमएम के अंदर बात करें तो ये 0.5 mm का होता है, सबसे छोटा जो गैप है, यानी कि 0.5 mm तक ये जो है सबसे छोटी इकाई जो है मापने की, ये इतना माप सकता है। तो लीस्ट काउंट ऑफ स्टील रूल कितना होता है, 0.5 mm के अंदर बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ टाइम इन मैट्रिक सिस्टम। जो यूनिट होती है टाइम की मैट्रिक सिस्टम में क्या होती है, हमने पहले पढ़ा था मैट्रिक सिस्टम कौन सा होता है, सीजीएस सिस्टम, और ब्रिटिश सिस्टम कौन सा होता है, एफपीएस सिस्टम।
और इन दोनों के अंदर ही जो टाइम की इकाई है वो होती है सेकंड। तो यहां पर चाहे मेट्रिक दिया होता तो चाहे ब्रिटिश सिस्टम दिया हो, तो यहां पर क्या होगा, हमारे अगर टाइम की यूनिट को देखें तो वो सेकंड ही रहेगी। तो यहां पर टाइम की यूनिट आ गई मेट्रिक सिस्टम में सेकंड। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्टील रूल इन इंचेस। अब इंचेस में हमें बताना है, वो एमएम में हमने देखा था 0.5 mm, इसी तरह इंचेस में बात करेंगे तो 1/64 इंच ये होता है, यानी कि 1 इंच का 64वां भाग ये होता है, 1/64 इंच, इंच का ये निशान होता है। तो इतने जो लीस्ट काउंट है इंचेस के अंदर अगर हम देखें स्टील रूल का, इतना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंटर पंच। अब सेंटर पंच क्या होता है, आपने वर्कशॉप के अंदर देखा होगा मार्किंग के लिए इसका यूज करते हैं। सेंटर पंच जो होता है वो ड्रिल सेंटर को मार्क करने के लिए किया जाता है, इसका जो उपयोग है, यानी कि किसी सेंटर को मार्क करना है तो सेंटर पंच जो इसका नाम ही है वो हमें बताता है कि सेंटर को मार्क करने के लिए, मेनली जो ड्रिलिंग करने के लिए, पहले अगर हमें ड्रिल करना है होल तो उसका सेंटर जो है हमें मार्क करना है, तो हम इस सेंटर पंच का यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट इज द पॉइंट एंगल ऑफ प्रिक पंच। अब सेंटर पंच हमने देखा इसी तरह से प्रिक पंच होता है, इसका पॉइंट एंगल कितना होता है, पॉइंट एंगल कौन सा हो गया, जैसे मान लीजिए ये जो है हमारे पास पंच है इस तरह से, और आगे से इस तरह से ये जो है पॉइंट बनता है, तो इसीलिए पॉइंट एंगल जो होता है हमारे पास। अब ये कितना होता है प्रिक पंच के केस में, ये 30 डिग्री का होता है। और इसी तरह से अगर हम सेंटर पंच के केस में देखें, यही जो ग्राइंडिंग एंगल है या फिर पॉइंट एंगल कह लीजिए इसको, ये होता है 90 डिग्री का। तो ये जो है हमने कुछ क्वेश्चन लिए, टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, इनको आप याद रख सकते हैं, ये वाइवा वॉइस और आपके इंटरव्यू के अंदर भी काम आ सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।